हेलो हेलो हेलो, हेलो, कहाँ पे हो तुम? अभी कहाँ मैं घर पे हूँ। क्यों, क्या पे हुआ, हो कहाँ क्या? पे? क्या अरे ऐसे ही, वो कुछ कर दिया था मैंने आज। किया? वो तुम्हारा क्रश नहीं क्या, हाँ, उसको पीट दिया? उसको क्यों पीट दिया? उसने क्या किया तुम्हारे साथ? वो बस पता नहीं, मतलब बस पीट दिया यार। मतलब वो ज्यादा कर रहा था ना, मतलब तुम्हारा क्रश है ना, तो क्या बोल रहा था? एक्चुअली बताया गया, पहले उसने मारा फिर मैंने मारा। मारा क्यों? बात क्या हुई मेरे को नहीं पता है? यार, वो मतलब पता नहीं क्यों कैसे क्या, मैं उसको दिख गया, वो जोर से चलते हुए आया मेरे पास और कान के नीचे बजा दी मेरे फट से। और फिर मैं एकदम मतलब बोला, भाई ये क्या मार दिया, मेरे को क्यों मार दिया, मेरे दोस्त भी थे। फिर दोस्त मेरे, वो भाई कौन है तू, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया उधर, बोला चले गए दोस्त की उसकी। और फिर वो दोस्त को मारने लगे, कॉलर पकड़ लिया था औकात मेरा ऐसा वैसा। तो फिर मैंने भी फिर उसकी कॉलर पकड़ ली और दो चार उसके कान के नीचे बजाया, उसके पेट में घुसे मार दिए, और वो नीचे भी पड़ा है मेरे सामने। तो पूछा नहीं तुमने उससे? उसने बताया नहीं कुछ तुम्हें हाँ क्यों मार रहे हैं? बोल रहा था ना मारते मारते, मतलब मार खाते खाते भी और मारते मारते भी। मतलब क्या बोल रहा था? यार ऐसी, मतलब बोल रहा था कि तू होता कौन है, उसका बॉयफ्रेंड होने वाला है ऐसा वैसा, तेरे को तू क्या, तू तेरी औकात नहीं है उसका बॉयफ्रेंड होने की, मैं हो सकता हूँ सिर्फ, तू दूर हो जा उससे, मेरे को नहीं पसंद, तू तू निकल उसकी लाइफ में से। झगड़े करता है, उसको दर्द देता है, झगड़े करे तूने उससे, दो कल रात को हमारी थोड़ी सी बहस थी। तो मैं उसका क्यों, क्या मतलब होता है हम दोनों में बोलने का? हम दोनों मेरे को की क्या पता, आपस की बात है, वो कैसे पीट के गया? तुम मेरे को क्या पता यार। कहाँ पे हो अभी? मैं बाहर ही हूँ चौक में, क्यों आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आती हूँ। अब मेडिकल वगैरह पे गए तुम? काय का मतलब ज्यादा नहीं लगी मेरे को, बेचारे को लग गया। आई मीन बेचारा तो है नहीं, चला। मतलब सोचो यार, तुम ऐसा क्रश है तुम्हारा, ऐसा क्रश जिसमें थोड़ा सा भी सेल्फ कंट्रोल ना हो? हाँ ऐसा दोस्त है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जिसमें सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है? हाँ तो फ्रेंड्स तो यार, होते मार ही तो, है ना नहीं ऐसे कि मार तो मैं भी सकता हूँ ना उसको, कि तुम्हारा क्रश है भाई, तुम उसको देखते रहते हो और वो भी तुम पे लाइन मारता रहता है, दोनों बात करते हो, मेरी चुगलियाँ करते हो, गुस्सा तो मेरे को भी आता है, लेकिन क्या मैंने उसको सीधे मैंने जाके कोई मारा? चुगली नहीं की कभी। अरे मतलब फिर भी मजे लेते हो ना तुम मेरे, कभी कभी कॉन्फ्रेंस पे होता है या कहीं होता है तो मतलब ये कौन सी बात हो गई भाई, कि वो सीधा आके हाथ उठा रहा है मेरे पे? हाँ और ऐसा कौन सा झगड़ा किया था मैंने तुमसे जो तुमने उसको बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया उसको, फिर जो भी मैं क्यों बताऊंगी? उसको कैसे पता मेरे चला, को वो क्या क्यों मार पता, रहा मेरे उसको को? कैसे पता चला? ये अजीब नहीं है थोड़ा? हाँ मैं उसको क्यों बताऊंगी कि हम दोनों में ये झगड़ा हो रहा है? छोड़ो यार, मतलब क्या कुछ नहीं, बोलो कुछ? लगी है मेरे को, रुको मैं पहुंच रहा हूँ। तो मेडिकल पे जाके ड्रेसिंग वगैरह करवा लो ना, या नहीं मैं करवानी क्या मेरे को, नहीं करवानी, तुम आओ तो मेरे दुपट्टे से हो बांधो गया? मेरे को। गुस्सा आ रहा है ना मैं मेरे तो को तुम कैसे, पे, नहीं ऐसे दोस्त है तुम्हारे? हाँ सोचो, मेरे को थोड़ी पता था वो ऐसा कुछ कर देगा। तुम मेरे साथ न्यूज रिलेशनशिप में होते थे, उसमें जरा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया तो? हाँ उठा दिया तो, मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में, और मैंने उसे कुछ नहीं बताया लड़ाई के बारे में। जो भी हो ऐसा कौन करता है भाई? वो जिंदा तो है ना? मारते नहीं दिया उसको? तो मर गया वो, भाड़ में जाए मेरे को क्या है? तुम पे केस हो जाएगा, वो मर गया तो? नहीं उसको दोस्त छोड़ने गए उसके घर पे, छोड़ो बोलो। उसके घर पे ही छोड़ने गए? उसके फैमिली वाले आ जाएंगे? तो खून वून थोड़ी निकाला है उसका, हम इतना ऐसा नहीं मारते कि खून निकलेगा फिर वो हम पे केस कर पाएगा। हट, एकदम ऐसा मारो कि पता भी नहीं चले, समझे?
बेचारा। मतलब पक्का चेक तो किया था ना, ठीक तो है ना, मतलब हाँ टी शर्ट तो उतार ली थी मर तो उसने, नहीं गया। नहीं टी शर्ट नहीं शर्ट थी उस तो मीटिंग में। हाँ शर्ट तो उतार के देखी थी उसकी, कुछ हुआ नहीं है उसको वैसे तो। मतलब उसी को बोला था कि भाई उतार के दिखा जरा, लकी तो नहीं जाता। उसे जब पूछा तो बोलता है कि भाई मेरे को पसंद नहीं है तो तू उसे तोड़ रही हो ना, तो अभी तो अकेला हूँ, बोले दोस्तों को लाके मरवाऊंगा तेरे को, याद रखना। मैं बोला भाई देख मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तेरे को जो करना है कर, तो बस तेरा देख, मैं मेरी वाली को संभालूंगा, उसको देखता हूँ कि कैसे दोस्त रहती है अब तेरा, मेरे को नहीं पता, तुम प्लीज उसके साथ कांटेक्ट में मत रहो ठीक है, वो लायक नहीं है इस चीज के, समझे या नहीं समझे। हाँ पर उसको पूछना तो पड़ेगा ना कि ऐसे कैसे मार के चला गया वो बिना कोई जरूरत नहीं अब बात करने की, किसी वजह। तुमको फर्क पड़ता है कि तुम्हारे बंदे को उसने मारा है या अभी भी क्रश की पड़ी है, पड़ी है। हाँ पहले तो मैं मेरे को तो पसंद तुम्हारे नहीं बारे है कि में ही तुम्हारा बोल रही क्रश हूँ ना। हो ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है कि तुम्हारा कोई क्रश हो ठीक है, प्यार तुमसे है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार करो, क्रश होना इन शॉर्ट वन साइडेड लव होना किसी और से, समझे। सो आई डोंट लाइक इट, सो तुम्हारा क्रश होना चाहिए तो वो भी मैं, बॉयफ्रेंड भी मैं, दोस्त भी मैं, बेस्ट फ्रेंड भी मैं, सब कुछ मैं, ऐसा हो तो ठीक है यार। केयर फॉर यू जाना मुझे नहीं पसंद, मैं तुमको पहले भी बोल मैं दिया। तो तुम्हारे साथ ही हूँ, हाँ तो मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही हूँ कि मैंने दोबारा तुमको ना आगे मारे। दोबारा मार भी नहीं सकता, छोड़ो, मैंने तुमको पहले ही बोला ना, पहले ही बोला है ना कितनी बार की छोड़ दो, लेकिन तुम क्या करते थे, तुम मुझ पर चिल्लाते थे, बोलते थे तुमको क्या है मेरा दोस्त है ऐसा वैसा, मैं चुप हो गया। उसके बाद तुमको एक भी बार बोला कि तुम उसके पीछे मत रहो या उससे बात मत करो, बोला कि वो अच्छा नहीं है करके, क्या नहीं बताओ। अब मिल गया प्रूफ, मिल गया। सब एक जैसे नहीं होते ना, उनको गुस्सा जल्दी आ अभी भी जाता है। उसकी तो साइड लेनी है साना, उसकी साइड नहीं ले रही, मैं वैसे बता रही हूँ कि ह्यूमन नेचर है, कोई शांत होता है कोई बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। हाँ तो मतलब वो गुस्से में आ गया जल्दी, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस गुस्से में आ गया है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि उसकी गलती नहीं है, मैं वही तो बोल रही हूँ कि वो क्यों मार के देखो गया। देखो तुम्हारे मन में जो भी हो ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ठीक है, मेरे को बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए और तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। ऑल आई केयर अबाउट इज यू एंड ऑल आई वांट जस्ट एनी थिंग टू डू, ये जो भी मैं करना चाहता हूँ, ये जो भी मुझे लगता है वो सिर्फ तुमसे रिलेटेड है, समझे। आई लव यू, आई लव यू टू। मेरे को नहीं पता यार कि तुम अब रहना चाहो नहीं रहना चाहो, मर्जी तुम्हारी है, मैंने कभी कोई चीज़ के लिए तुम्हें मना किया आज तक, किया है तो ये छोड़ के, ये मत खाओ ये मत पियो क्योंकि तबीयत खराब होगी, मुझे पता है तुम कितने वीक हो, इस चीज़ को छोड़ के कभी मना किया कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, मना किया है। अगर मना किया भी होगा और तुमने नहीं माना तो मैंने तुमको बोला कि ठीक है बस बता देना करने से पहले, बोला ना। लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ प्लीज, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगा यार, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा लोग ऐसे लोग भी रहे। हाँ सोचो तुम कहीं हो और दो चार ग्रुप में, अब चलो हम तीन लोग थे ठीक है, तीन चार लोग थे, हम तीन चार लोग तुम्हें छेड़ दे और वो बंदा तुम्हारे साथ हो एज अ बेस्ट फ्रेंड या कोई, समझो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं ऐसे ही एरा गेरा नत्थू गेरा लोग बैठा हूँ आजू बाजू रस्ते पे, और हम तीनों चारों मिलके तुम्हें छेड़े, अब वो हो और वो समझदारी के बजाय फालतू में हाथ उठा दे मेरे पे, फालतू वो भी पिट जाएगा और तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा है ना। ऐसे टाइम में हमेशा होशियारी नहीं करनी पड़ती, कुछ समझदारी के साथ भी लेना पड़ता है, समझा के दोस्त बना के या कुछ ऐसे करके भी लेना पड़ता है ना। अगर मैं रहता वहां पे तो मैं क्या करता, हमेशा पता है जब भी कुछ होता है तो मैं क्या करता हूँ, जितना हो सके उतना शांत रहता हूँ कि भाई देख सॉरी प्लीज ऐसा कुछ मत कर, गलती मेरी भी हो या तेरी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात खत्म कर, झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। और अगर अकेला नहीं रहा और आगे वाला भी अकेला रहा और मैं भी अकेला रहा तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैटर करता है, तो फर्क पड़ता है, समझे। यार आई लव यू हूँ, आई लव यू टू। अब ये सारी बातें कितनी बार समझाऊं तुमको मैं, बताओ मुझे। हम पहले घर चले जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, मेरा छोड़ो, तुम बस बताओ मैं क्या करूं।
मत करो अभी, तो तुम घर चले जाओ, मैं चला जाऊंगा घर। बाद में अगर कुछ करेगा तो फिर देखेंगे। अरे वो कुछ नहीं करेगा, मेरे को पता है, उसको समझा दिया मैंने। और मैंने ऐसा ज्यादा कुछ नहीं मारा उसको, बस एक दो थप्पड़ मारे जैसा तुमको बताया कि मैंने बहुत मारा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, उसको लगाया ज्यादा, बस उसको शांत किया, समझाया कि मैटर क्या है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि इतने भी सही नहीं होते सब लोग, ठीक है। और आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव एनी क्रश यार, मैं रखूँ तुम्हारे सामने कोई क्रश अपनी, मैं बोलूँ तुम्हें कि यार ये मेरी क्रश है, मुझे बहुत पसंद है, काश मौका मिल जाए रिलेशनशिप में आने का, अच्छा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा? नहीं नहीं ना, फिर क्या नहीं फील होगा जाना, बुरा लगेगा ना? सोचो मैं कैसे कंट्रोल कर लेता हूँ खुद की फीलिंग। बोलो बोलो ना। नहीं बोलना, जाना समझदारी से सोचते हो ना उस चीज को, बट लोग ऐसे नहीं होते। हाँ हाँ। तो देखो यार, गाड़ी चलाने का एक सिंपल सा उसूल है, भरोसा सिर्फ खुद पे रखो, आगे वाले गाड़ी वाले पे नहीं, समझे? ना तो पीछे वाले पे, ना अगल बगल वाले पे, ओके ना? तो सिंपल है, खुद पे भरोसा रखो ना, समझ रहे हो? फालतू का ना टेंशन मत लो, मेरे को कुछ हुआ नहीं है ज्यादा, मैं पूरा ठीक हूँ, ओके? ओके चलो मेरे दोस्त भी आने के होंगे उसके छोड़ के, तुम मुझे अपनी केयर करो और कुछ बोलना मत, ठीक है? ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बी नॉर्मल। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्ती तोड़ दो, बात ही करना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली बात करो अगर बात करनी होगी तो, लेकिन बस थोड़ा प्रोटेक्टिव रहो खुद को लेके, बस ये सोच के चलो कि कोई है तुम्हारा यहाँ पे जो हमेशा तुमसे प्यार करता है ना? हाँ या नहीं? फिर सोचोगे ना मेरे बारे में? हर बार ही सोचती हूँ, अच्छा, अगर सोचते तो क्रश नहीं होता ना आपका, वो पहले था अब नहीं है। तो अब कौन है, बदल गया क्या? नहीं ये भी नहीं कहा मैंने। क्रश तो वो होता है जो बात नहीं होती है जिससे, या जो कुछ, ये क्रश वैसे ही नहीं था तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी बात तो होने लगी थी बाद में, स्टार्टिंग में था ना, जब तुमने मुझे पहली बार बोला था कि अच्छा लगता है। वैसे मैं कौन था तुम्हारे लिए, मतलब मैं कौन था तुम्हारे लिए, मतलब क्रश तो कोई और था तो? बॉयफ्रेंड ओनली, हाँ सिर्फ ऑफ कोर्स, बॉयफ्रेंड, नो दोस्त नो बेस्ट फ्रेंड? बोलो। तभी तो तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ ना, बॉयफ्रेंड हो तो। अरे बात बताऊं, जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था या कुछ नहीं था, तब मैं कौन था तुम्हारे लिए, क्रश या सिर्फ एक ऐसे ही मामूली सा लड़का या दोस्त? ये स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं थे, बाद में फ्रेंडशिप हुई है, फिर उसके बाद अब बॉयफ्रेंड हो। मतलब मैं क्रश नहीं था, मतलब जरूरी रिलेशनशिप में थोड़ी आने के लिए होता है कि क्रश इंसान था, पहले क्रश हो। तो क्यों है तुम्हारा क्रश मैं तुम्हारे साथ हूँ तो? है कोई? क्या है कोई क्रश अभी तुम्हारा? आवाज कट रही है तुम्हारी? मैंने कहा कि है कोई क्रश अभी तुम्हारा? पक्का नहीं पक्का? लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल, अभी स्माइल कर सकते हो थोड़ी सी? इतना सीरियस होने के बाद स्माइल कौन करता बस बोल दो, स्माइल हो सकती है थोड़ी सी, और हो जाती है ना, है? हाँ तो कर दो एक बड़ी सी। अरे मैं तो कर ही रही हूँ, तुमको दिखेगी नहीं। लव यू यार, आई लव यू टू, मैं मिस यू, एक आई मिस यू टू, टेक केयर। पप्पी नहीं प्लीज, ना थप्पड़ खाइए यार।
उस गाल पे। घर पहुंचे अच्छा ठीक है, थप्पड़ में धूल लगी होगी वो भी हटा ली। अब तो करता हूँ। जाओ तुम उसी के पास जाओ, मेरे से बात मत करो। बाय, गुड नाइट स्वीडन, टेक केयर, मेरे को नहीं करनी बात तुमसे। टाटा। पहले क्या टाटा नहीं, क्या सीधा टाटा, मतलब तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। तुम कौन से मेरी बात मान रहे हो? अभी भी वहीं पे हो तुम, जहां कहाँ पे हो? पे थे तुम चौक पे। नहीं, हाँ तो किस तो चाहिए, मैंने बोला है ना कि तुम घर जाओ मैं रात पहले। भर यही तुम्हारी बैठा रहूंगा। आप बोलो। इच्छा, तुम्हारे घर वाले खुद आ जाएंगे तुम्हें। किसने मिलेगी तो मैं जाऊंगी नहीं, ऐसे संन्यास ले लूंगा यहाँ पे मैं। घर वाले सामने बैठे, मैं कैसे करूं? तुम मिलेगी। नहीं, क्या गुड नाइट, बाय, मेरे से बात मत करो जिंदगी में कब। ठीक है, तुम सामने हो तो मना नहीं करते, अभी क्यों मना करते हो बे? मेरे घर वाले सामने बैठे हैं ना, तो ऐसा बोलो ना, तो वही तो बोल रही हूँ मैं, लेकिन समझ तो अभी नहीं है सामने, जो सुना नहीं होगा कि सामने बैठी है ना। नहीं रहे। तो रिएक्शन देख सकते हैं ना, आवाज नहीं पहुंचती। तो ऐसा ऐसा करते, क्या यार, ऐसा बोलो क्या यार, क्या मैंने करी है तो तुमको सुनाई हुई, अब मैं क्या करूं? आवाज नहीं आई, तूने बोला ही नहीं क्या यार, ऐसा करो ना, क्या यार। कॉल कर रही हूँ फिर, वो बहुत बड़ी बात है। टाटा। टाटा, आई लव यू। लव यू टू। गुड नाइट, आई मीन गुड नाइट, नहीं शाम हुई है, चलो नाइट। आदत हो गई है ना रात में बात करते करते। जाओ टाटा, जाना। बेटा।